गले लगकर फूट फूट कर रोई कप्तान हरमनप्रीत कौर। अगर फ्रेंड्स आप भी टीम इंडिया के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने से चूक गई। उसे T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। तबीयत खराब होने के बावजूद मैदान पर बल्ले से तूफानी पारी खेलने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर मैच के बाद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा से गले लगकर फूट फूट कर रोती दिखी। उनके अलावा भी टीम इंडिया के हर सदस्य का यही हाल था। अंजुम चोपड़ा से गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। दूसरी ओर अंजुम का भी कुछ ऐसा ही हाल था। जब टीम इंडिया हारी तो वे इतनी दुख के मारे इमोशनल हो गई थी कि उनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। वे लगातार पलकों को झपकाते हुए अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। हरमन के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे सिर्फ अपनी कप्तान को दिलासा देना चाहती थी, वे इमोशनल सपोर्ट करना चाहती थी। हरमन की तबीयत खराब थी, इसके बावजूद वे मैदान पर उतरी। कोई और मैच होता तो शायद वे नहीं खेलती, लेकिन ये सेमीफाइनल था, वे इससे पीछे नहीं हट सकती थी। उन्होंने आगे कहा, ये मोमेंट गंभीर था, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें खुद पर काबू नहीं रख सकते हैं। मैच में अगर 5 रन भी कम होते तो शायद भारत के लिए रिजल्ट कुछ और होता। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने मैच में पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 172 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 8 विकेट के नुकसान पर 167 रन तक पहुंच सकी। हरमन ने